नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी जो शराब के ठेके का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और जो आवेदन करने की तिथि कौन सी है। तो इसका जो आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो दो चरणों में होगा। जो प्रथम चरण है यहाँ पर 16 फरवरी से किया जाएगा। जो दूसरा चरण है, जो आवेदन करने की तिथि दी गई है दूसरे चरण में, वो यहाँ पर 23 फरवरी 2021 की दी गई है और आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि दी गई है 26/2/2021 को। इस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आप किस तरह से यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये upexcisegovernment.in ये ऑफिशियली वेबसाइट है। इस पर यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जो लेफ्ट साइड में ये बटन दिया है रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ नया इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं इसका आपको लाइव भी दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर फॉर्म फिल किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हैं। एक तो है पंजीकरण करें और दूसरा है पंजीकरण आवेदन लॉगिन करें। अगर आपने पहले से पंजीकरण किया है तो आप दूसरे ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पर पंजीकरण करने वाले हैं, आवेदन का जो शराब के ठेके का आवेदन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना पैन कार्ड और एक कैप्चा आपको फिल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चा फिल कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको यहाँ से वेरीफाई करना होगा OTP। अगर ये सारे कंप्लीट आप कर चुके हैं तो इसके बाद आपको फिर से एक SMS आपके मोबाइल पर आएगा। उसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। उस यूजर नेम पासवर्ड को आप ध्यान रख सकते हैं, अगर चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल है उसमें आपको अपनी बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने। तो इस तरह से आप भी आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।